और अब देखिए फ्रेंड्स ये किस तरीके से काम करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक ऐसा मॉस्किटो किलर जो कि यार मच्छरों को खुद अट्रैक्ट करके बुलाएगा और खुद ही उनको सलटाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनने वाला है और शानदार ये मॉस्किटो किलर बनने वाला है, क्योंकि यार ये बनाने वाले हैं हम एक LED बल्ब के द्वारा। तो यार अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस मॉस्किटो किलर को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक खराब मॉस्किटो रैकेट। और वैसे फ्रेंड्स, हर घर के अंदर आजकल खराब मॉस्किटो रैकेट मिल ही जाता है यार। तो चलिए जल्दी से हम इसको खोल लेते हैं और हमें लेना है इसका ये आगे वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हमें चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से खोल लेंगे। और वैसे भी इसका पीछे वाला सर्किट खराब है, जो कि फिलहाल मैं अभी इसको रिपेयर नहीं करने वाला, क्योंकि वैसे मैंने उसके काफी वीडियो बना भी दिए हैं और अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसका सब्जेक्ट कुछ अलग है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 वायर है, इन तीनों वायरों को हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमें चाहिए, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ और इसको मैं एक बार पैक करके रख देता हूँ। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम एक डेड LED बल्ब, लेकिन इसके अंदर डेड होना चाहिए ये ऊपर वाली प्लेट। वैसे 90% फ्रेंड्स ये ऊपर वाली प्लेट ही खराब होती है। और देखिए इसके दोनों वायर मैंने ऑलरेडी हटा भी रखे हैं, क्योंकि ये बल्ब मेरा ऑलरेडी चेक किया हुआ था फ्रेंड्स। तो चलिए इसको मैं खोल लेता हूँ, इसकी ऊपर वाली प्लेट को, ठीक है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो प्लेट है ये हमारे काम में आएगी, लेकिन एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए इसको फिलहाल हम रख देते हैं साइड के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम दो डायोड 4007 और इन दोनों डायोडों को हम लगाएंगे इस सर्किट के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक डायोड का कैथोड लगेगा इसके नेगेटिव के साथ में और एक डायोड का एनोड लगेगा इसके पॉजिटिव के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को हम इसके साथ में। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे एक PF कैपेसिटर जो कि 155J 400 वोल्ट का है और इसको लगाएंगे फ्रेंड्स हम इन दोनों डायोडों के ऊपर इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये काम तो हो गया इसको ऑपरेट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे एक हाई पावर LED और वो भी ब्लू कलर की, क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि ब्लू कलर की जो LED होती है वो मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जैसे ही मच्छर इसके आसपास में आएंगे इसमें ऑटोमेटिकली पस के चटाचट मरते जाएंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लेंगे हम ये वाली LED। तो फ्रेंड्स ये है ब्लू कलर की LED। अब देखिए इसको ऑपरेट हम करेंगे कैसे, तो इसके लिए लेंगे फ्रेंड्स हम 4 डायोड और इसका मैं जल्दी से ब्रिज बना लेता हूँ। काफी ब्रिज बना बना के आपको बता दिए हैं वैसे मैंने, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये ब्रिज बना लिया है। और अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम वापस से एक और PF कैपेसिटर, लेकिन अब की बार लेंगे फ्रेंड्स हम 105J 400 वोल्ट का। 105J का मतलब हो गया 1 माइक्रोफेरेड और 155J का मतलब हो गया 1.5 माइक्रोफेरेड। और देखिए इस 1 माइक्रोफेरेड के PF कैपेसिटर के बीच में हमने लगा दिया है एक रेजिस्टेंस जो कि 1 मेगा ओम की है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी ये दोनों लेगों में से एक लेग को इस ब्रिज के इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे। तो ब्रिज का इनपुट आप लोगों को पता है ही फ्रेंड्स, काफी वीडियो में मैंने बताया भी है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार भाई के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब देखिए ब्रिज के पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम लगाएंगे एक कैपेसिटर जो कि 100 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे एक जीनर डायोड जो कि 3 वोल्ट का है। और ये जीनर डायोड हम फ्रेंड्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी ये LED ऑपरेट होगी सिर्फ 3 वोल्ट से, तो हम इस सर्किट के आउटपुट में भी सिर्फ 3 वोल्ट ही निकालेंगे। तो ये जीनर डायोड कनेक्ट होगा ब्रिज के पॉजिटिव और नेगेटिव पे, तो पॉजिटिव पे इसका कैथोड और नेगेटिव पे इसका एनोड कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और अब देखिए इस सर्किट के इनपुट पे हम 2 वायर कनेक्ट कर देंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो कि 220 वोल्ट AC के लिए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। और अब देखिए यहाँ पर ये जो LED है इसके ऊपर भी हम 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको ये चालू भी करके बता देता हूँ कि किस तरह से ये ग्लो होती है। ये देखिए बैटरी के द्वारा इसको मैं कनेक्ट करके बता देता हूँ आपको,
ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ब्लू है यार, बिल्कुल हाई पावर ब्लू। ठीक है, तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं दोनों वायर। तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पर रेड वाला और नेगेटिव के लिए यहाँ पर वाइट वाला वायर मैं कनेक्ट करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब इन दोनों वायरों को मैं कनेक्ट करूंगा इस सर्किट के आउटपुट पे। तो कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम इसको उसी हिसाब से कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है और इस सर्किट को हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से हमें इसको करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एलईडी को हम इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके सेंटर में ये एलईडी हमने इस तरीके से लगा दी है। और अब देखिए, जैसे ही हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ये वाली जो नेट है इस एलईडी के टच होगी। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं एलईडी जितनी जगह में। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कट कर लिया है नेट को। और अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लगाने से पहले इस सर्किट को हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो इसमें ये वाला जो वायर है, ये है इस नेट का, और ये दोनों वायर है, इसमें दो नेट लगे हुए हैं उन दोनों के। तो जो ब्लैक वाले वायर है वो बड़ी नेट के हैं, और जो रेड वाला वायर है वो इस छोटी नेट का है जो बीच में लगी हुई है। तो चलिए जल्दी से फिक्स कर लेते हैं इस सर्किट को हम, और इन दोनों वायरों को भी हम इनकी तरह बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको देखिए किस तरीके से एडजस्ट करूंगा, मुझे भी ये देखना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस सर्किट के दो पार्ट कर लेता हूँ। एक पार्ट को मैं इस तरफ लगा दूंगा और एक पार्ट को इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में मैं एक वायर जोड़ दूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है और कैपेसिटर को भी हमने यहाँ पर दूर कर दिया है, ताकि ये और भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये लीजिए फ्रेंड्स, कहीं भी कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया है। और अब देखिए, इस वायरिंग को भी हम फिक्स कर देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए इसको मैं लॉक कर देता हूँ अच्छे से। ये लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारी एलईडी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगी हुई है। तो चलिए बाकी के कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो ये तीनों वायर कनेक्ट होंगे इस सर्किट पे, पीएफ कैपेसिटर की इन दोनों लेगों पे। तो ये दोनों ब्लैक वाले वायर हम एक तरफ लगा देंगे और रेड वाला वायर एक तरफ। कोई भी वायर आप किधर भी लगा सकते हैं इन दोनों लेगों पे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों वायर थे इस नेट के, और ये जो दोनों वायर है जो सर्किट हमने इसके अंदर फिक्स किया है इसके, और इन दोनों वायरों को हम कनेक्ट करेंगे इस सर्किट के इनपुट पे, यानी कि जहां पर 220 वोल्ट एसी आएंगे वहीं पे। और देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो दोनों वायर है ये छोटे छोटे है, तो इनको भी हम यहां से हटा के इनकी जगह दूसरे वायर लगा देंगे लंबे वाले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और अब देखिए, इन दोनों वायरों को हम कनेक्ट करेंगे इस एलईडी बल्ब की बॉडी के अंदर। और अब देखिए, इस सारे सर्किट को हम इसके अंदर फिक्स करेंगे और साथ ही हम इसको भी इसके साथ में सेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारे खुले सर्किट के चारों तरफ हम टेप लपेट लेंगे। और ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट इसके अंदर नहीं हो, साथ ही जो हीट सिंक लगी हुई है बल्ब की बॉडी के चारों तरफ उसके साथ में भी सेफ्टी बनी रहे। और अब देखिए, हम इसको इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सर्किट को एडजस्ट कर दिया है, और अब देखिए हम इसको भी इस तरीके से यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको स्टंट ग्लू के द्वारा थोड़ा थोड़ा चिपका लूंगा, और फिर हम इसको अंदर से ग्लू स्टिक के द्वारा चिपका देंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों तरफ से चिपका दिया है, ठीक है। और अब बारी है फ्रेंड्स इसकी शानदार टेस्टिंग की। तो ये किस तरीके से काम करेगा, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे ही इस होल्डर के अंदर लगा के आपको चेक कराऊंगा, और फिर मैं आपको चेक कराऊंगा इसको घर के अंदर दीवार में लगे हुए बल्ब होल्डर के द्वारा। तो चलिए इस बल्ब होल्डर के अंदर मैं इसको लगा लेता हूँ, और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी ब्लू लाइट, जो कि मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगी फ्रेंड्स। और अब देखिए ये किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से वायर निकाल लिया है, और देखिए अब मैं इसको टच करके आपको बताता हूँ फ्रेंड्स।
देख सकते हैं, कहीं पर भी टच करो, शानदार काम कर रहा है यार। तो यार आपको यकीन आ गया होगा कि यार ये मच्छरों को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा, अब देखते ही सलटाएगा। और इसकी ब्लू लाइट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी शानदार लग रही है। और अब देखिए, इसको मैं दीवार में लगे बल्ब होल्डर के अंदर लगा के आपको चेक कराता हूँ, क्योंकि यार इसको लगाना तो हमें दीवार के बल्ब होल्डर के अंदर ही है, ताकि ये ऑटोमेटिकली काम करता रहे और बंद चालू करने का झंझट भी नहीं रहेगा, क्योंकि यार ये अपनी तरफ ऑटोमेटिकली मच्छरों को खींच लेगा, तो हमें क्या जरूरत है यार इसको इधर उधर करने की। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मॉस्किटो किलर को इस तरीके से लगा दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरीके से काम करेगा। तो अब की बार फ्रेंड्स मैं आपको अंधेरा करके बताऊंगा, क्योंकि यार वैसे भी मच्छर अंधेरे में ही आते हैं। तो अब देखना फ्रेंड्स आप, और देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी ब्लू ब्राइट। और अब देखिए फ्रेंड्स ये किस तरीके से काम करेगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कीजिएगा, हो सकता है यार वो भी इसी तरह का मॉस्किटो किलर बनाने की सोच रहे हो। साथ ही यार कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।